जय शनिदेव आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के बारे में तेरह जून शनिवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है तेरह जून शनिवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का समय रहेगा अष्टमी तिथि रहेगी और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र होगा दोपहर तक चंद्रमा कुंभ राशि में उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे पूरे दिन बृहस्पति का नक्षत्र रहने वाला है और कर्क राशि वालों के लिए ये दिन बेहद खास है बस आपको सुबह सुबह थोड़ी सावधानी रखनी होगी कर्क राशि वालों शनिवार के दिन की शुरुआत थोड़ी मध्यम हो सकती है सुबह सुबह आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है और आप पर तनाव भी बन सकता है इस दिन दिन में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है कार्यस्थल पर कार्य की अधिकता रहेगी इस दिन आपके लिए यात्राओं के योग बनेंगे और आपको नए लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा कर्क राशि वालों दिन के समय में बोलचाल में मिठास रखें बेवजह किसी भी प्रकार से वाद विवाद में ना पड़ें इस दिन पुराने उधार की वापसी होगी रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद है कर्ज मुक्ति के नए रास्ते इस दिन निकलने वाले हैं दोपहर बाद का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगा लेकिन दिन के समय में अपनी सेहत का ख़ास ख्याल आपको रखना होगा दिन में खाने पीने का खास ख्याल रखें नहीं तो गर्म सर्द हो सकता है सिर दर्द व पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं हालांकि दोपहर बाद सितारा बहुत ज़्यादा बुलंद रहेगा आपके भाग्य में वृद्धि होगी और की गई मेहनत से लाभ की प्राप्ति होगी शाम को अच्छा सहयोग परिवार से भी मिलते हुए दिखाई देगा और कार्यस्थल पर सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा शाम के समय में सितारा बुलंद रहेगा धन आने की अच्छी संभावना है कारोबार में मुनाफा होगा पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा नौकरी के हालात भी अच्छे रहेंगे कार्यस्थल पर माहौल अच्छा रहेगा अपने लोगों का साथ आप पाने वाले हैं इस दिन आपके नए संबंध आपके काम आएंगे फ्यूचर की प्लानिंग होगी दोस्तों हर प्रकार से समय बेहतरीन है बस आपको दिन में थोड़ी सावधानी रखनी है इस दिन आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद रहेगा और शुभ अंक दो होगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें और जय शनिदेव जरूर लिखें